आरसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने लेसन नंबर 16 के अंतर्गत खनिजों के वितरण के बारे में अध्ययन किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम खनिजों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, खनिजों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया गया है। हालांकि खनिजों के वर्गीकरण के बारे में जो जानकारी है इसी भाग में, यानी जो फर्स्ट भाग है उसके लेसन नंबर 7 में भी इसकी जानकारी अपन कर चुके हैं। देखिए, खनिजों के वर्गीकरण की बात करें, शॉर्ट में अगर इनका अध्ययन करें तो इन खनिजों को यहाँ मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। नंबर एक, धात्विक, धात्विक खनिज। नंबर दो, अधात्विक खनिज। और नंबर तीन, ईंधन वाले खनिज, जिनको हम शक्ति संसाधन के रूप में भी कहते हैं। तो खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक, धात्विक खनिज। नंबर दो, अधात्विक खनिज। नंबर तीन, ईंधन वाले खनिज, या इनको शक्ति संसाधन के रूप में भी कहा जाता है। बात आती है नंबर एक की, कि जो धात्विक खनिज है, यदि इसकी परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें, धात्विक खनिज यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा विद्यमान हो या पाई गई हो, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा या क्या पाई गई हो उसमें, यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा या धातु की छड़ पाई गई हो, ऐसे खनिजों को धात्विक खनिज के रूप में कहा जाता है। ये धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसमें लोह धातु और नंबर दो, अलोह धातु। अब इसकी भी अगर हम परिभाषा देखें, लोह धातु यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें लोहांश की मात्रा पाई गई हो, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें लोहांश की मात्रा पाई गई हो उसे लोह धातु के रूप में कहा जाता है। और नंबर दूसरा, अलोह धातु अर्थात ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें लोहांश की मात्रा का क्या पाया गया हो, अभाव पाया गया हो, ऐसे खनिजों को अलोह धातु के रूप में कहा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि अभी अपन यानी जो धात्विक खनिज हैं, इन धात्विक खनिजों में अभी क्या बताया, एक लोह धातु के रूप में और दूसरा अलोह धातु के रूप में। यहाँ वहाँ जैसे लोह खनिज में लोहा आता है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, निकिल है, ये किसके अंतर्गत आएगा? लोह धातु के रूप में, यानी जिसमें धातु की मात्रा पाई गई है। और धातु की मात्रा पाई गई है तो वो कौन कौन से हैं? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, निकिल, ये किसके अंतर्गत आ गए? लोह धातु के रूप में। इसी प्रकार से अलोय धातु की बात करें या अलोय खनिज के रूप में, अलोय खनिज का मतलब जिसमें लोहांश की मात्रा का अभाव पाया गया हो, और उसमें कौन कौन सा है, जैसे तांबा, कौन कौन सा है? तांबा है, जस्ता है, सीसा है, सोना है, बॉक्साइट है, एल्मेनाइट है, ये सारे कौन से हैं? अलोह धातु के रूप में है। तो अपन ने पहला कौन सा बताया? धात्विक खनिज के रूप में। नंबर दो, अधात्विक खनिज।
हमारा दूसरा कौन सा आता है? अधात्विक खनिज, यानी पहला तो बताया था धात्विक और दूसरा कौन सा आ रहा है? अधात्विक। अब अधात्विक का मतलब क्या है? ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की छड़ का अभाव पाया गया हो, यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की छड़ का क्या पाया हो, क्या हो, अभाव पाया गया हो, ऐसे खनिजों को हम क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज के रूप में कहेंगे। इसी प्रकार से नंबर तीसरा आता है ईंधन वाले खनिज के रूप में। अब नाम से पता चलता है कि ईंधन वाले अर्थात ये जो खनिज हैं इनको जलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके रूप में? जलाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, अर्थात जैसे इन खनिजों को अगर हम जलाएंगे तो उससे क्या है, शक्ति प्राप्त होगी, और शक्ति प्राप्त होगी तो वो क्या है, अपन उसको ये कह सकते हैं ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। इसीलिए इन खनिजों को क्या कहा जाता है? शक्ति संसाधन के रूप में भी कहा जाता है। तो इस आधार पर हमने बताया कि यहाँ पर खनिजों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की अगर स्थिति देखें तो इसको तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें बता दिया गया धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन वाले खनिज। अब देखो, इनमें उदाहरण के रूप में भी आपको बता दिया था, धातु धात्विक के रूप में यहाँ दो भाग बताए थे, एक कौन सा? लोहा धातु के रूप में और दूसरा अलोहा धातु के रूप में। इसी प्रकार से अधात्विक खनिज में बताया था कि जिसमें धातु की छड़ का क्या पाया गया हो, अभाव पाया गया हो। और अधात्विक खनिजों में कौन कौन से आते हैं? जैसे एस्बेस्टोस है, पाइराइट है, नमक है, या फिर बोक्म, नमक के साथ साथ में जिप्सम है, हीरा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अधात्विक खनिजों में, अर्थात इसमें धातु की छड़ नहीं पाई जाती है। और तीसरा कौन सा बताया था? ईंधन वाले खनिज, जिनको क्या कहा गया दूसरे नाम से? शक्ति संसाधन के रूप में कहा, अर्थात इन खनिजों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जलाने के लिए किया जाता है। और ये भी निश्चित है कि इनको एक बार उपयोग में लेने के बाद में इनको पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो अब ये तो क्या था कि यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण। इस पाठ के अंतर्गत हम केवल धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ प्रमुख धात्विक खनिजों के बारे में दिया गया है। उन प्रमुख धात्विक खनिजों में सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं? लोहा एस्क। कौन सा? लोहा एस्क के रूप में। लोहा एस की बात करते हैं। आज इस आधुनिक समय को यदि हम लोहा युग के रूप में कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, अर्थात कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण किससे किया जा रहा है? लोहे से किया जा रहा है। इसी कारण से ये आधुनिक युग जो एक लोहा युग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो लोहे की जो स्थिति है भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उच्च क्वालिटी का जो लोहा है वो कम पाया जाता है। तो कम पाए जाने के कारण यहाँ विदेशों से इसका क्या किया जाता है? कुछ मात्रा में आयात भी किया जाता है। तो अभी आपको बताया कि जो लोहा एस्क जो छोटी से छोटी वस्तु से लेकर और बड़ी बड़ी वस्तुओं या बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किसके माध्यम से किया जा रहा है? लोहा एस्क के माध्यम से किया जा रहा है। अब लोहा एस्क के माध्यम से किए जाने के कारण यहाँ पर इस लोहे की जो स्थिति है या उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। और उत्पादन बढ़ने से यहाँ इसकी क्या है, आवश्यकता भी बढ़ी है। इसीलिए भारत में जो अलग अलग रूपों में ये लोहा एस्क की प्राप्ति पाई गई है। तो इसमें अगर अपन देखें तो लोहा एस्क के मुख्य प्रकार
कौन कौन से हैं? लोहा एसके के मुख्य प्रकारों की बात करें तो यहाँ चार प्रकार हैं। लोहा एसके के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। इन चारों में से नंबर एक की बात करते हैं। नंबर एक कौन सा है? मैग्नेटाइट। कौन से लोहा? मैग्नेटाइट। देखिए मैग्नेटाइट, अब ये लोहा एस्क है, इसको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक आता है मैग्नेटाइट है, नंबर दूसरा हेमेटाइट है, नंबर तीसरा लिमोनाइट है और नंबर चार सीडेराइट है। तो ये किस आधार पर है? ये जो लोहे के जो प्रकार हैं, इनकी जो क्वालिटी की बात करें या इनमें गुणवत्ता की बात करें, जिस भी लोहे में लोहांश की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है, जिस भी लोहे में लोहांश की मात्रा क्या पाई गई है? सर्वाधिक रूप में पाई गई है, उच्चतम श्रेणी के रूप में पाई गई है, वो लोहा उतना ही अच्छा माना गया है। तो इस कारण से अब यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट में जो लोहांश की मात्रा की बात करें, लोहांश की मात्रा लगभग इसमें 72% पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 72% इसमें क्या पाई जाती है? लोहांश की मात्रा पाई गई है। और इसमें भी ये भी देखा गया कि ये जो लोहा है ना, इसका जो रंग है वो कैसा होता है? काला गहरा। रंग कैसा होता है? रंग काला गहरा होता है। तो बात बताई गई इसमें, यानी लोहांश की मात्रा इसमें 72% के लगभग, और साथ में ये भी बताया गया कि इसका रंग जो होता है काला या गहरे रूप में होता है। इसी के साथ साथ में यह जो लोहा है सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है, और सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाने के कारण इसका उपयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है। और एक और भी इसकी मुख्य विशेषता है कि ये जो लोहा एस्क है, कौन सी चट्टानों से? आग्नेय, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किए जाने के कारण यहाँ एक बात बताई गई है कि इसका जो रंग जो है वो काला गहरा होता है। यहाँ से अब भारत में अगर देखें तो जो मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा एस्क है उसका उत्पादन कितना हो पा रहा है, उसमें से अगर हम या इसके अनुमानित भंडार की बात करें तो उसमें बताया गया है कि लगभग 340.8 करोड़ टन क्या के अनुमानित जो भंडार हैं, वो अनुमानित भंडार कितने? 340.8 करोड़ टन के लगभग यहाँ प्राप्त होने की संभावना है। तो नंबर अपन ने अभी बात की थी कि धात्विक जो खनिज, और उन धात्विक खनिजों में नंबर कौन सा लिया अपन ने? लोहा एस की बात बताई कि लोहा एस कितने प्रकार का होता है? ये चार प्रकार का होता है। इनमें से अपन ने नंबर एक लिया, नाम क्या बताया? मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट क्या है कि इसमें लोहांश की जो मात्रा है ना, वो लोहांश की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है, और वो कितने प्रतिशत के लगभग है? 72% के लगभग है। रंग कैसा होता है इसका? काला या गहरा होता है। और कौन सी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर अनुमानित भंडार कितने बताए गए हैं? 340.8 करोड़ टन के लगभग। अब नंबर दूसरा आता है, यहाँ दूसरा लोहा एस का प्रकार कौन सा है? नंबर दो हेमेटाइट। इसमें लोहांश की मात्रा कितनी बताई थी? 72%। इसमें देखिए लोहांश की जो मात्रा है वो 60 से 70% के लगभग इसमें क्या पाई गई है? लोहांश की मात्रा पाई गई है।
रंग कैसा होता है इसका? लाल भूरा। रंग, रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है? लाल या भूरा। रंग कैसा होता है इसका? लाल या भूरा होता है। और इसी के साथ में अगर हम यहाँ देखें तो ये कौन से चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो जो कुड़प्पा क्रम की जो शैले हैं या चट्टाने हैं, कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की जो शैले हैं, उन शैलों से क्या प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा अयस्क है वो प्राप्त किया जाता है। तो अभी इसमें अपन ने बात की कि भाई इसमें जो लोहांश की मात्रा 60 से 70%, रंग इसका लाल या भूरा होता है, और कौन सी शैलों से? कुड़प्पा क्रम की जो शैलें होती हैं उन शैलों से इसको क्या है, प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो जो इस लोहा अयस्क का जो अनुमानित भंडार है, अनुमानित भंडार कितना? 10.05 करोड़ टन। यानी अनुमानित भंडार बताए गए हैं 10.05 करोड़ के लगभग। इसके क्या अनुमानित भंडार पाए गए हैं? नंबर आगे दिया गया है इसमें, नंबर तीसरा, तीसरे का नाम क्या है? लिमोनाइट। नंबर तीसरा कौन सा है? लिमोनाइट। नंबर तीसरा लिमोनाइट। लिमोनाइट देखिए, जो लोहा अयस्क है ये अभी आपको प्रारंभ में भी बताया था कि इसमें जो पहचान है वो लोहांश की मात्रा के आधार पर पहचानी गई है, कि जिस भी लोहे में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक रूप में पाई जाएगी वो लोहा उतना ही अच्छी श्रेणी का माना जाएगा। तो पहला अपन ने पढ़ा मैग्नेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा 70% के लगभग बताई गई। नंबर दूसरा बताया था आपको कौन सा? हेमेटाइट किस्म का। हेमेटाइट किस्म के लोहा अयस्क में लोहांश की मात्रा कितनी बताई थी? 60 से 70% के लगभग। अब यहाँ पर आता है लिमोनाइट। देखिए यहाँ ये जो तीसरा जो प्रकार है, यदि हम लोहा अयस्क की दृष्टि से देखें तो ये एक निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क माना जाता है। इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो 30 से 60% के लगभग पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 30 से 60% के लगभग इसमें लोहांश की मात्रा पाई गई है। और इसका अगर रंग देखें तो रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है। रंग कैसा होता है? रंग पीलापन। कैसा होता है इसका रंग? पीलापन लिए हुए होता है। और पीलापन लिए हुए होने के कारण इसकी आवश्यकता अन्य लोहे अयस्क की तुलना में कम होती है, इसीलिए इसको निम्न श्रेणी का क्या माना जाता है? लोहे अयस्क माना जाता है। इसमें बताया गया कि ये जब निम्न श्रेणी का उनका होने के कारण लोग इसका बहुत कम उपयोग करते हैं। और ये कौन सी चट्टानों से? परतदार जो चट्टाने हैं, परतदार जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों से क्या किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता बताई? इसमें लोहांश की मात्रा 30 से 60%, इसका रंग कुछ कैसा होता है? पीलापन लिए हुए होता है। और कौन सी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? ये परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और ये कैसा लोहा अयस्क है? ये निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क माना जाता है। और नंबर चार, और इसका अंतिम अगर देखें, नंबर चार कौन सा बताया था? सीडेराइट। नंबर चार, अब देखिए ये अगर बात करें ना तो ये सबसे निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क माना जाता है।
अभी इनकी सबसे मेन बात तो अपने को पहचान क्या रखनी पड़ेगी, इनका की प्रतिशत मात्रा के आधार पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ देखिए सीवेराइट, इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो मात्र 10-48% के लगभग पाई जाती है। इसका रंग अगर देखें, रंग की बात करें तो कैसा होता है, राख जैसा, राख जो अपने यानी ईंधन आदि को जलाते हैं और उस जलाने से जो राख प्राप्त होती है उस राख का जो जैसा रंग होता है वो रंग किस कौन से लोहांश का होता है, सीडेराइट का होता है। और एक यहाँ से ये भी बताया गया कि ये सबसे निम्न श्रेणी का लोहा एस्क माना जाता है, इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है और यहाँ केवल यानी अनार्थिक कार्य हैं, अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ अपने को बहुत कम आवश्यकता होती है उस समय इस लोहा एस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब उसके बाद में अब ये तो क्या बताए थे आपको लोहा एस के प्रकार, तो इनके नाम याद हो गए, नाम और उनका प्रतिशत, नाम ध्यान दे लेना। पहला क्या बताया था, मैग्नेटाइट, पहला नाम क्या बताया था, मैग्नेटाइट। नंबर दो हेमेटाइट, हेमेटाइट। नंबर तीन लिमोनाइट, लिमोनाइट। और नंबर चार कौन सा बताया था, सीडेराइट, सीडेराइट। ये चारों के चार नाम किसके हैं, लोहे एस के हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात देखो पहचानने की कि इसमें क्या है, लोहांश की मात्रा कितनी बताई थी, 72%, इसमें कितनी बताई थी, 60-70%, इसमें कितनी बताई थी, 30-60%, और इसमें कितनी बताई थी, 10-48%। ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये इनकी प्रतिशत मात्रा है ध्यान है तो निश्चित रूप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सही रूप में लिख सकते हैं। अब एक और भी पहचान बता सकते हैं इनमें, पहचान के आधार पर अगर देखें तो इनके रंग के आधार पर आपको बता सकते हैं, इसका रंग कैसा बताया था, काला गहरा, काला गहरा। इसका रंग कैसा बताया था, लाल भूरा, लाल भूरा। इसका रंग कैसा बताया था, कुछ पीलापन लिए, कैसा, पीलापन लिए हुए। और नंबर इसका चार, नंबर चार का कैसा, राख जैसा, राख जैसा इसका रंग बताया था। अब उसके बाद में यहाँ तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें मेन चीज क्या है, ये कौन सी चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। ये कौन सी चट्टानों से, यहाँ पर आता है कुड़प्पा क्रम की। नंबर दूसरा जो था हेमेटाइट, और इस हेमेटाइट में कौन सी का है, कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की सैलों से। और नंबर तीसरा कौन सा था, बताया था इसमें जो लिमोनाइट है, और लिमोनाइट कौन सी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ये परतदार चट्टानों से, परतदार चट्टानों। और नंबर दो सीडेराइट, और अंतिम कौन सा बताया था, जो सीडेराइट है और ये सबसे घटिया किस्म का होता है, रंग कैसा होता है इसका भी, हल्का भूरा या राख जैसा होता है, और इस कारण से ये सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है जो बहुत कम उपयोग में लिया जाता है। उसमें यहाँ चट्टानों की अगर बात करें तो उसमें इसका नहीं दिया हुआ है। तो मेन बात क्या थी, ये लोहे एस के बारे में, जिसमें लोहे एस के क्या थे, मुख्य प्रकार के रूप में बताया गया था। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ लोहा एस प्राप्ति के क्षेत्र के भारत
जैसे भारत है, तो भारत में लोहा अयस्क किन किन क्षेत्रों से या किन किन राज्यों से प्राप्त किया जाता है, तो उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो नंबर एक आता है कौन सा, कर्नाटक। नंबर एक कर्नाटक राज्य जो लोहा एस की दृष्टि से प्रथम राज्य माना जाता है। टॉपिक आगे आता है लोहा एस प्राप्ति के क्षेत्र, लोहा एस प्राप्ति के क्षेत्र। देखिए अभी आपको बताया कि जो लोहा एस्क हैं वो भारत के कौन कौन से राज्यों से प्राप्त किया जाता है, उन राज्यों में नंबर एक कौन सा है, कर्नाटक। लोहा एस्क उत्पादन करने में कर्नाटक राज्य क्या है, प्रथम राज्य माना जाता है, प्रथम राज्य माना जाता है। किसकी दृष्टि से, लोहा एस की दृष्टि से जो कर्नाटक राज्य है वो प्रथम राज्य माना जाता है, जो देश का लगभग कितना, जो देश का लगभग 24.80% लोहा एस का क्या करता है, उत्पादन करता है। प्रतिशत कितना बताया, 24.80% के लगभग क्या है ये इसका उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में यानी जो कर्नाटक है, वो कर्नाटक के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनसे लोहा एस्क प्राप्त किया जाता है, तो इसमें मुख्य आता है शिमोगा, शिमोगा हासपेट, शिमोगा हासपेट बेल्लारी बेल्लारी धारवाड़ धारवाड़ चिकमंगलूर, चिकमंगलूर चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जिनसे लोहा एस प्राप्त किया जाता है। यहाँ मुख्य बात क्या है कि यहाँ जो कर्नाटक राज्य में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है और जिसमें लोहांश की मात्रा 55 से 65% के लगभग पाई जाती है। ये मुख्य विशेषता है यहाँ कि इस राज्य में जो लोहा एस्क पाया जाता है, जो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है और उसमें क्या है कि 55 से 65% के लगभग लोहांश की मात्रा पाई गई है। इसी कारण से यहाँ ये जो लोहा एक अच्छी किस्म का माना जाता है और इसमें बताया गया कि यहाँ अनुमानित जो भंडार हैं, अनुमानित भंडार 1.45 अरब टन लोहा एस का उत्पादन किया जाता है। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके बाद जो शेष बचे हुए राज्यों के बारे में आपको कल बताया जाएगा।